इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ, अगर आप अपने फ़ोन में कोई भी चीज़ को टाइप करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आता है। जैसे कि मैं गूगल पे टाइप करता हूँ कुछ भी, तो ये सब आपको इसको समझ में नहीं आता है, बोलता कुछ और टाइप करता है। तो इस वाले वॉइस टाइपिंग अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे। इसके लिए आपका जो सैमसंग का फ़ोन है उसको खोल लेना है, और यहाँ पे जा कर के सबसे पहले पहला काम ये करना है कि आपको यहाँ पे इसको दबा के रखना है और इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शंस पे जाना है। ये आई का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा जिसको बोलते हैं स्टोरेज, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से मैनेज स्टोरेज और यहाँ पे क्लियर कैच दिखेगा, तो मैनेज स्टोरेज पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लियर डेटा आपको दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपको इसको क्लियर डेटा कर लेना है। जैसे क्लियर डेटा करते तो आपको एक ये दोबारा ऑन करेंगे तो आपको कुछ परमिशन वगैरह मांगेगा और आपका जो फ़ोन है वो ईजीली ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मोर वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। एक सेकेंड, एक बार और दिखा देता हूँ। इस पे जाना है, मोर वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे वॉइस मैच पे जाना है, और उसके बाद यहाँ पे वॉइस मैच पे इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप इसको ऑन कर देंगे तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो ये कुछ ही सेकंड में ये आपका ओपन हो जाएगा। तो अभी लोड ले रहा है, और नोट नाउ पे क्लिक कर दें इसके बाद। और यहाँ पे आपको वॉइस मॉडल पे जाएंगे, इस पे क्लिक करते हैं इस पे, तो आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइज वॉइस पे क्लिक करना है। ये इस पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, और इस पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करते ही आपको अपना वॉइस को मैच करना है। हे गूगल, हे गूगल, हे गूगल, हे गूगल, और जो भी कर रहा हूँ आपके सामने कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, और फिनिश पे क्लिक कर देना है। जैसे ये आपके वॉइस को डिटेक्ट कर लेता है तो आपका क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली नोट नाउ पे क्लिक कर दीजिए यहाँ से बाकी चीज़ें, और यहाँ पे सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। डिलीट पे क्लिक कर सकते हैं अगर आपका, अब यहाँ पे आप कोई भी आप वॉइस अगर काम नहीं भी करता है तो आप इसको संकेत दे सकते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं, हे गूगल प्लीज़ प्ले सॉन्ग ऑन यूट्यूब ज़रा ज़रा। तो इस तरीके से इसको परमिशन दे सकते हैं और ये आपके लिए गाना हो जाएगा। अब चीज़ दूसरा करके दिखाता हूँ आपको। हे गूगल प्लीज सेट अलार्म 7 AM। तो आप देख सकते हैं अलार्म भी लगा दिया। तो इसी प्रकार से अब क्या है कि आपको उसको दबाना नहीं पड़ेगा, जो आपको बोलेंगे वो आपको बताएगा। हे गूगल टुडे वेदर, तो आप चाहे तो इसको हिंदी में भी सेट कर सकते हैं, हिंदी में भी आप बोल सकते हैं। इसका जो आपको इसको समझाना पड़ेगा, और हिंदी में थोड़ा सा ज़्यादा इसका भी पकड़ मजबूत नहीं है, पर हिंदी में भी आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं। हे गूगल आज मेरा बर्थडे है। तो इसको समझ में नहीं आया, इसको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। हे गूगल टुडे माई बर्थडे, तो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप भी सेट कर सकते हैं। वॉइस टाइपिंग बड़े कमाल का काम करता है गूगल असिस्टेंट के द्वारा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।